यार कितना क्यूट लग रहा है ना दोस्तों। अच्छा इसकी आईज अभी नहीं खोली और मेरे हाथ पे हल्का सा बाइट कर रहा है यार, मुझे बहुत क्यूट लगा माशाल्लाह से, सही बता रहा हूँ यार मुझे बहुत क्यूट लगा। आप और दोस्तों एक बेबी ये रहा माशाल्लाह, पूरा व्हाइट वाला निकाल दिया यार मेरे भाई, मेरे से ना वेट नहीं हो रहा था, मैंने सोचा यार अभी ये निकाला है ब्लैक व्हाइट, अब मैं आप लोगों को व्हाइट वाला दिखा रहा हूँ। लेकिन और यार दोस्तों तरबूज कट रहा है, ताज़ा और फ्रेश तरबूज सुबह सुबह कट रहा है। और हमारी भाई से पूछना भाई किस लिए हो रही है इतनी मेहनत भाई, ये सब ब्रेकफास्ट है। हाय 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 हाय। और दोस्तों बिल्कुल सही तरबूज लेकर आए, ख़राब तरबूज नहीं मिला मार्केट में, समीर भाई ने ले लिया और ट्राई कराएंगे भाई। तरबूज शौक से खा रहा है, उसके अलावा कोई फ्रूट भी नहीं खा रहा। खा लेना भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई खा लिया भाई, वरना इसके अलावा तो कोई फ्रूट नहीं खा रहा। बहुत सारे फ्रूट ट्राई कराए इसको हमने और कोई फ्रूट नहीं खाया इसने, फिर उसको आज फर्स्ट टाइम हमने तरबूज लेकर आ गया इसके लिए। और हाय 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 हाय, मैं तो बोल रहा हूँ रस्सी खोल के खिला दें उसको, पीछे पीछे चला के यहीं खिलाना है। हाय 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 हाय, माशाल्लाह यार मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है ना। और चेक करें तरबूज शौक से खा रहा है दोस्तों, बहुत सारे फ्रूट्स ट्राई कराए आम सेब वगैरह सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक भाई तरबूज। भाई साहब ऐसी चीज़ मिली है जो हमारे भूल को पसंद आ रही है और मज़े से बैठा हुआ है। मैं नहीं खिलाऊंगा, मेरे पास नहीं है, हुमायूं के पास से खाओ 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 खाओ। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बहुत शौक से खा रहा है। और दोस्तों आज हुरको नहलाया भी है भाई, यहाँ फुल ठंडा फ्रिज में रखा हुआ था क्या? हाँ भाई दोस्तों ठंडा हो रहा है और फ्रिज में रखा हुआ था ना तरबूज, तो नहीं होगा? नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा यार, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। हो जाओ खड़े भाई, क्योंकि आज आप लोगों को दिखाना है, आज भाई साहब को नहलाया भी है हमने। अब चेक करें कितना साफ सुथरा लग रहा है दोस्तों। और भाई को अपने हाथ से मैं भी एक खिलाऊंगा, क्योंकि यार मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है और उसको खिलाने का। कुछ कुछ भी नहीं खाता फ्रूट में, सिर्फ ये भाई तरबूज है, वाटरमेलन जो होता है ना वो खाता है। लो भाई साहब मेरे हाथ से भी खाओ 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 खाओ। आ माशाल्लाह माशाल्लाह, तरबूज तो माशाल्लाह शौक से खा रहा है। और बहुत सारे तरबूज हम लोग इसके लिए लेकर आए हैं, अभी तो थोड़ा खिला रहा हूँ क्योंकि यार अभी चार माशाल्लाह से फुल पेट भर के खाया। और माशाल्लाह से ये बछिया खा लो भाई, आप भी खा लो यार। ये बड़ा अजीब सीन है यार दोस्तों, यार ये खाती है बहुत नाजुक तरीके से, देखा बहुत दोस्तों बछिया को ज़्यादा पसंद नहीं आया। और ये देखें ये माशाल्लाह से फुल मज़े से खाने में लगा हुआ है भाई, रोटी और वाटरमेलन बहुत शौक से खाता है माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा। और यार सुबह सुबह का टाइम हो रहा है ना दोस्तों, मक्खियों ने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया है। और ये भाई बछिया है यार, सो बहुत खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, खड़ी नहीं हो रही, वरना आप लोगों को दिखाऊँ दोपहर में कैसे लिए हम लोगों ने। ओए लात भी चला दी भाई, लात से बच गया। खैर मैं उसको खड़ा तो करूँगा यार, समीर खड़ा कर यार इसको बछिया को दोस्तों, भाई खड़ा करके आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तक दिन में नहीं दिखाई आप लोगों को, रात में दिखाई है मैंने। और देखें यार इतने उससे बैठी हुई है, खड़ी नहीं हो रही है, हालांकि काफ़ी देर से बैठी हुई है। दोबारा बैठ जाना भाई, कोई मसला नहीं है भाई, दोबारा बैठ जाना। अब देखें माशाल्लाह, ज़रूर बोलना है कॉमेंट्स में आप लोगों ने दोस्तों। 136 की हमने ये बछिया ली है, 136 की। और आप लोगों ने कॉमेंट्स में लाजमी बताना है आप लोगों को बछिया कैसी लगी है इतने रेटों में। और मासूमियत जो है ना इसकी, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतनी मासूम इतनी मासूम मैंने अभी तक नहीं देखी बछिया यार, बहुत मासूम बछिया है दोस्तों। अभी मैंने शायद इसको खड़ा करा इस वजह से थोड़ा सा गुस्सा कर जाए थोड़ा सा, वरना वैसे तो मेरे आइडिया से गुस्सा बिल्कुल नहीं कर रही। बहुत मासूम बछिया है यार, सही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मासूम क्या चीज़ होगी, इसके कहीं पर भी हाथ लगा लें बिल्कुल लात नहीं मारती। हो तो फिर भी लात चला देता है, लेकिन ये कहीं पर भी लात नहीं मारती दोस्तों। ये देखें कितनी मासूम बछिया है यार। होर भाई साहब वैसे एक बार बताऊँ, मुझे तो होर भी जितनी मासूम मेरे लिए बछिया है उतने मासूम ये भाई साहब है। और ये दोबारा तरबूज खाने आ रहे हैं, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो चुका है भाई साहब, ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। और भाई साहब भी मुझे बिल्कुल नहीं मारते, ये भी आप लोगों को एक मज़े की बात बता रहा हूँ मैं, बछिया भी नहीं मारती और भी बिल्कुल नहीं मारता मुझे अब। लेकिन ये अभी मुस्तकिल मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको खीरा खिलाया था यार, सब प्यार करता हूँ। और आज जो नहाया है ना इतना साफ सुथरा हो चुका है भाई साहब, इधर आओ यार, बहुत प्यारा हो रहा है यार माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। ख़त्म ख़त्म कुछ भी नहीं है मेरे हाथों में, बिल्कुल खाली है, क्या हो गया? तो मैं बस जितना तरबूज खाना था खिला दिया, अब इंशाल्लाह तो मैं कल खिलाएंगे। तरबूज बहुत सारा लेकर आया हूँ, लेकिन इसको भी जान के नहीं खिला रहा, क्योंकि इसने बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही चारा खाया है। ओ भाई पागल हो चुका है, अब इसको तरबूज ये देखें यार, मुस्तकिल पागलों वाली हरकतें कर रहा है। लेकिन अब मैं इसको तरबूज नहीं देने वाला, तरबूज हो भी बहुत ठंडा रहा है, ठंडे का मसला नहीं है, लेकिन इसका पेट भरा हुआ है, तरबूज खा लेता है ना फिर ये कुट्टी नहीं खाएगा। और अब इसको सब्र ही करना होगा, कुछ भी कर लो, प्यार करवाओ पहले एक दफ़ा मेरे से तुम ना, तो प्यार जब तक नहीं करूँगा ना मैं इसको कुछ नहीं खिलाने वाला, प्यार नहीं करवाता यार बहुत, जब शुरू शुरू में था बहुत शरीफ था, प्यार तो मैं लाजमी करके रहूँगा। अच्छा रुको 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 इधर, ओए 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 टकरे चला रहा है, बस किसी तरह जा रहा है, मैं तरबूज खिला दूँ। हाँ शोर देखें, शोर करना शुरू कर दिया, तरबूज के पीछे पागल हो चुका है ये,
ये देखो यार दोस्तों, ये देखें भाई कितना शोर कर रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, मैंने तो गलत टाइम पे तरबूज दे दिया, अभी मेरे पीछे ही पड़ा रहेगा, जब तक तरबूज नहीं दूंगा ना मुझे टकरे मारता रहेगा। तो यार जब हम लोग बछिया लेकर आए थे, जब ये बछड़ा भी आया था, और ये है भाई, आप लोग आइडिया लगाएं यार कितने का होगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी आप लोगों ने खुद आइडिया लगा के बताना ये बछड़ा कितने का उतरा है। जिस दिन ये बछिया आई है 136 की, उसी दिन ये बछड़ा आया था हमारे से 10 मिनट नहीं, आधा घंटा पहले ये बछड़ा आया है। और आइडिया आप लोगों ने लगाना है कि कितने का होगा। एक दफ़ा दिखा देता हूँ बछड़ा, भाई मारता बहुत है यार ये भी ना, जैसे हो रहा था ना स्टार्टिंग में वैसा। ये देखें यार फ़ौरन मारना आइया, मारता बहुत है भाई, ये बहुत मारता है। बाकी आप लोग आगे भी दिखाता हूँ, बहुत सारी गायें गली में हो चुकी हैं, दो गायें ये देखें यार, ये रहा एक बछड़ा। और ये आप लोगों को दिखाता हूँ गली का शाहकार भाई, सबसे बड़ा मॉन्स्टर यार गली का इस टाइम, बल्कि गली का क्या पूरे समझ लें इलाके के अंदर ना, सबसे बड़ा मॉन्स्टर आप लोगों के सामने खड़ा हुआ है। माशाल्लाह भाई बहुत बड़ा भैंसा है दोस्तों ये। और अब इसको नहलाने का टाइम हुआ है यार, मैंने सुना है नहाने के बाद ना बड़ा खुश होता है, तो मैंने बोला भाई आप लोगों को भी दिखाऊंगा किस तरह ये नहाता है भाई। इसको पानी डालेंगे ना और फिर इसकी आप लोगों ने खुशी देखनी है यार भाई, बहुत ख़तरनाक जिसको बोलते हैं ना मॉन्स्टर यार। बाकी ओरिजिनल मॉन्स्टर ये है यार, हम बछड़ों के नाम रखते हैं ठीक है वो भी है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ओए 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 यार इसको कितनी रस्सियों से बांधा भाई, दो चार और एक पाँच, लेकिन ये पाँच रस्सी अभी ना इसके लिए कुछ भी नहीं है भाई। हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे नहाएगा कब, और अब इसके नहाने का टाइम हो गया, तो मैं आ गया इसकी वीडियो बनाने के लिए। अरे यार माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी गर्दन की मोटाई अगर दिखाऊँ ना, पास नहीं आ रहा भाई मैं इसके, क्योंकि अगर ये गुस्सा आ गया ना इसको, ये रस्सियाँ वस्सियाँ सब तोड़ देगा बहुत। तो माशाल्लाह से बहुत मोटी गर्दन है इसकी भाई, देखिए यार। तो जैसे ही पानी डलेगा इसके ऊपर वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। और दोस्तों अब डालना शुरू कर दिया इसके ऊपर पानी, अब दिखाऊंगा भाई इसकी खुशी आप लोगों को। ये मॉन्स्टर पे पानी डल रहा है भाई, मॉन्स्टर को नहलाया जा रहा है इस टाइम यार। मुझे तो इसको देख के भी ना दोस्तों डर लग रहा है, सही बता रहा हूँ, ओरिजिनल में ना बहुत ख़तरनाक जिसको बोलते हैं ना, शक्ल से ही ख़तरनाक माशाल्लाह भाई। हैवी भी बहुत है और ख़तरनाक भी, जितना हैवी उतना ही ख़तरनाक है। बहुत पास से इसकी वीडियो बना रहा हूँ मैं ये, इसको जब पानी डलता है ना यार, पानी से बहुत खुश होता है भाई। इसको दिन में 4 दफ़ा भी नहला लो कोई मसला नहीं है। ओए होए 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 होए, फुल सुकून के साथ नहा रहा है, जितना सुकून से नहा रहा है ना, बछड़े वगैरह सब हड़ाउड़ी करते हैं, बिल्कुल सुकून से नहा रहा है। यार मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत जिसको बोलते हैं ना, मैंने अभी तक इतना बड़ा भैंसा नहीं देखा भाई। और भाई पानी पड़ते के साथ ही पानी के अंदर बैठ गया, ये चेक करें यार, जिसको नीचे थोड़ा सा पानी नज़र आया है ना, आराम से बैठ गया, अभी ठंडे पानी में। यार भैंसा पानी से बहुत खुश होता है भाई, बस पानी मार आया अभी इसके नीचे, और ये गीले चबूतरे पर बैठ चुका है। सारी मट्टी जो डलवाई थी ना, सारी मट्टी जाया हुआ है, समझ लें यहाँ तक मट्टी डली हुई थी, लेकिन ये मट्टी से हटकर बैठ रहा था, तो सारी मट्टी इन्होंने फेंकवा दी और बैठ रहा है आराम से फर्श के ऊपर, गीले फर्श के ऊपर। ये लेट गया दोस्तों, सही बता रहा हूँ यार, जो मस्तियाँ कर रहा है ना, मस्तियाँ इसकी तो सिर्फ मस्तियाँ ही हैं ये, लेकिन ये जो कूटे हैं ना, ये अपनी मस्तियों के अंदर आराम से निकाल सकता है, जितने कूटों से बंधा हुआ है ये करेगा मस्तियाँ भाई। ओए होए 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 होए, वापसी खड़ा हो गया, वापसी खड़ा हो गया, वापसी खड़ा हो गया, पता नहीं क्या करेगा भाई, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। और भाई इसको नहलाने वाली की भी हिम्मत है, पिछली टांग पकड़ी हुई है इसकी, मैं इसके आगे जाने से भी ना बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ यार, मतलब मैंने इसको अभी तक प्यार भी नहीं करा है, लेकिन भाई ये आराम से नहला रहे हैं इसको, पिछली टांग ये पकड़ के नहला रहे हैं। ये देखें यार पानी पड़ते हुए तो किसी को भी कुछ नहीं बोलेगा, खैर ये अगर इसको पानी तो कोई भी मारेगा ना, बस उससे खुशी होगा, क्योंकि नहाने का बहुत ज़्यादा, नहाने से तो बहुत ज़्यादा खुश होता है ये। अभी बैठ, अभी समझ में भी नहीं आ रहा खुशी के मारे, कभी बैठ रहा है कभी खड़ा हो रहा है, नीचे पीछे हर जगह पानी मार दिया, पानी मारने के बाद सुन हो चुका। और ये लोग बता रहे हैं यार कि कल ना झंपे लगा रहा था ऊंची ऊंची है, लेकिन अगर इसने झंपे लगाई हमें यहाँ से भागना पड़ेगा भाई। लोग क्या बोल रहे थे? हाँ हम आइयो, हाँ उस्ताद ने बताया ग्रैब वाटर पिला दो, कुछ खा नहीं रहा। चलो पिलाओ ना, नहीं नहीं व्लॉग नहीं बना रहा, नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ। हाँ हाँ नॉर्मल वीडियो, इसका मोरा पकड़ो सबसे पहले, रस्सी ऊपर बनेगी, ब्रेड मारता है, ब्रेड मारता है।
के ऊपर आ चुका हूँ और रैबिट मेल और फीमेल यहाँ पर बैठे हुए हैं यार दोस्तों। अच्छा मैंने आज ना ऊपर वाला केज का गेट खोला है, नीचे वाला नहीं खोला क्योंकि ये बाहर निकलने की कर रहे हैं ना, तो दोस्तों मैंने ऊपर वाला केज का गेट खोला है तो ये चेक करें, ये बैठे हुए रैबिट के मेल और फीमेल, बाकी इनके बेबीज कहाँ है भाई। फ्लैश ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ और देखें यार कितनी अग्रेसिव हो रही है, बेबीज के बाद जाने नहीं देती किसी को। खैर मैं आप लोगों को फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखें भाई माशाल्लाह कितने क्यूट लग रहे हैं दोस्तों। एक वो रहा छोटा बेबी और ये कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 बेबीज ये रहे माशाल्लाह माशाल्लाह से। और एक वो रहा छोटा, एक वाइट वाली को बाहर निकाल लिया माशाल्लाह माशाल्लाह यार, चेक करें कितना कितना क्यूट है यार, अल्लाह ताला इसको नज़र से बचाए, देखें यार कितना क्यूट लग रहा है ना दोस्तों। अच्छा इसकी आइस अभी नहीं खोली और मेरे हाथ पे हल्का सा बाइट कर रहा है यार, मुझे बहुत क्यूट लगा है माशाल्लाह से, सही बता रहा हूँ यार मुझे बहुत क्यूट लगा। आप लोगों ने भी कमेंट में ज़रूर बताना है आप लोगों को कैसा लगा हमारा रैबिट का बेबी। यार मुझे तो वाइट वाले से ज़्यादा प्यारा ब्लैक वाइट लग रहा है, देखें यार ओ गिरना जाना मुन्नू गिरना जाना माशाल्लाह माशाल्लाह। आइस अभी इनकी नहीं खोलेंगे, जब दोस्तों आइस खोलेंगे ना मैं सही बता रहा हूँ मोस्ट ब्यूटीफुल लगेंगे रैबिट के हमारे पांचों बेबीज, चारों तो वाइट हैं बस ये एक ब्लैक वाइट कलर का निकला है और ये मुझे सबसे प्यारा लग रहा है यार। लेकिन वाइट अलग होता है क्योंकि उसकी अल्बाइनो आई होगी, मतलब कि रेड आई के अंदर होगा, और इसकी जो आई है ना ये ब्लैक होगी। बाकी रैबिट फीमेल ये चेक करें आराम से बैठी हुई है, मेल हमारा यहाँ पर बैठा हुआ, उसको पता है मैंने इसका एक बेबी निकाला, मैं वापसी रख देता हूँ भाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है। और दोस्तों एक बेबी ये रहा माशाल्लाह, पूरा वाइट वाला निकाल दिया यार मेरे भाई, मेरे से ना वेट नहीं हो रहा था, मैंने सोचा यार अभी ये निकाला है ब्लैक वाइट, अब मैं आप लोगों को वाइट वाला दिखा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मेरी आप लोगों से एक बहुत रिक्वेस्ट है भाई कि आप लोगों ने ना कमेंट में माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलना यार, वरना नज़र आप लोगों को पता है कितनी बुरी चीज़ है, नज़र लग जाती है यार। खैर ना जी देखें कितना प्यारा है माशाल्लाह, इसके कान देखें कितने छोटे छोटे और कितने क्यूट, नेल्स देखें यार बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। आइस इसकी भी अभी नहीं खोली इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे नहीं पता कि आइस कितने दिन में खुलेंगी, आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि इनकी आए भाई मेरे आइडिया से कम एक हफ्ता और लग सकता है, लेकिन मुझे परफेक्ट नहीं बता सकता मैं कि कब खुलेंगी। आप लोगों ने कमेंट्स में लाजी बताना है कि इनकी आइस कब खुलेंगी, और जब आइस खुलेंगी तो मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा क्यूट लगेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह से यार। खैर इसको वापसी रख देते, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। और जो रैबिट के लिए डाइट लेकर आए ना दोस्तों, फटाफट रैबिट को डालते हैं क्योंकि रैबिट अच्छे से डाइट खाएगा तो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे, मतलब भाई रैबिट अब शायद अपने बच्चों को मुझे लग रहा है कि खिलाने लग गया होगा, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लग रहा है सिर्फ ये दूध पीते हैं छोटे बच्चे हैं, लेकिन इंशाल्लाह थोड़े दिन में जब खाने लग जाएंगे ना बहुत क्यूट लगेंगे। दोस्तों अर्तुरुल को भी बाहर निकालते हैं, ओ केज बंद हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई साहब आ जाओ आ जाओ यार, इतने एग्रेसिव क्यों रहते हो यार। मुझे अर्तुरुल लग रहा है दोस्तों और ज़्यादा ना गंदा हो चुका है, चेक करें इसके बाल बाल टूटने स्टार्ट हो गए दोबारा, पता नहीं क्यों ये ऐसे कर रहा है। असल में केज के अंदर फाइटिंग बहुत करने लग जाए, ब्लैक वाले मुर्गी को मारता है ना तो इसके पर इसके आपस में टकराते रहते हैं और ज़्यादा ये मतलब गंदा होता जा रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ दोस्तों जिस तरह हम लोग अपने हुर को नहला रहे हैं, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल मैं पक्का ना अपने अर्तुरुल को नहला दूंगा। और दोस्तों आज सारे बेबीज़ को पकड़ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना अपने चुन्नू मुन्नू में से एक को पकड़ूं, और ग्रे वाला पकड़ा मैंने और उसके विंग्स चेक करें माशाल्लाह से कितने प्यारे आ रहे हैं, और बहुत प्यारा और प्यारे के साथ साथ ना हद से ज़्यादा फंटर हो चुके हैं, मैं सही बता रहा हूँ बहुत फंटर है यार हमारे चुन्नू मुन्नू, जो बड़ा वाला चुन्नू मुन्नू है उससे काफ़ी ज़्यादा फंटर है। देखें अभी कैसे जंप लगाएगा, वो इस एज में जंप भी नहीं लगाता था दोस्तों, डरता था। ओए होए ये मुर्गा किस तरह खिला रहा है अपनी चोंच से और किस तरह खा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने प्यारे लग रहे हैं देखें। ओए होए 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 ये रेड वाला तो दोस्तों बहुत ही फंटर लगता है मुझे, ये जो रेड वाला है ना, ग्रे वाला फिर भी थोड़ा सा मतलब है फंटर वो भी बहुत लेकिन कम है, ये रेड वाला जो है ना इसको तो आज मैं पकड़ के रहूँगा भाई, ये कुछ भी कर ले इस रेड वाले को मैं पकड़ूंगा। और ये देखें मैं पास जाता हूँ और ये भाग जाते हैं यार, बहुत 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 फंटर है। आ जाओ बेटा कहाँ हो कहाँ हो। और दोस्तों छत भी काफ़ी गंदी हो रही है क्योंकि यार होर के नीचे हम लोग चारा वारा ये वो करने में लगे रहते हैं तो टाइम गुजर जाता है, लेकिन यार दोस्तों सिर्फ 3 दिन रह गए हैं बकरीद के अंदर, उसके बाद सारी रौनकें ख़त्म हो जाएंगी और फिर हम लोग छत पे ही होया करेंगे और छत की सफाई वगैरह भी 3 दिन बाद ही कर लेंगे यार। बड़ा दिल भी दुख रहा है यार लेकर आए थे सब, खैर अभी 3 दिन हैं उनको अच्छे से इंजॉय करेंगे बजाय रोने धोने के, 3 दिन के बाद देखी जाएगी जो होगा। और लेकिन इसको मैंने अभी पकड़ना है ना तो मैंने टारगेट बनाया इसको पकड़ूंगा। ओए यार तो दोस्तों यार छत का ब्लॉग यहीं तक था, अब नीचे जाके ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और हुर का चारा बनाने का टाइम हो चुका है। नहीं 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 सॉरी, हुर को हम लोग देंगे 10 बजे के टाइम चारा, और आज आप लोगों को दिखाऊंगा चारे में क्या स्पेशल डिश मिलाने वाले हैं, और तरबूज खिलाएंगे इंशाल्लाह रात में, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तरबूज आप लोगों ने इस ब्लॉग में तो देख लिया कितने शौक से खा रहा है, और रात में दोबारा दिखाऊंगा तरबूज कितने शौक से खाता है।